नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बायो वाला पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में बताया था, उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कहाँ पर थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, इसके बारे में बताया था। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक और एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताने वाला हूँ। एक और अंतःस्रावी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क किसको कहते हैं हम लोग? वृक्क हम लोग, आपने सही पहचाना, किडनी को हम लोग वृक्क कहते हैं हिंदी में। तो अधिवृक्क ग्रंथि से आप लोग समझ गए होंगे कि ये ग्लैंड कहाँ पर पाई जाएगी। दोस्तों, ये ग्लैंड किडनी के इंटीरियर पार्ट पर पाई जाती है, इंटीरियर पोर्शन पर, यानी कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनी के इंटीरियर पार्ट पर लोकेटेड होती है। मतलब दो किडनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, एक किडनी पर एक एड्रिनल ग्लैंड और दूसरी किडनी पर दूसरी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट हैज़ सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेडुला एंड एट द पेरीफेरी एड्रिनल कॉर्टेक्स। दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड के को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बाहर का पार्ट होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर का पार्ट होता है सेंटर में उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है। ये आपकी किडनी है आपकी, ये बीन शेप्ड होती है किडनी, सेम के आकार की होती है। ये आपकी किडनी है और ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पर मैंने बनाई है, ये फैट है। और ये जो रेड कलर की है ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये रेड कलर का जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये आपका पहले पॉइंट का फिगर हो गया और ये दूसरे पॉइंट का फिगर है। ये देखिए, ये एड्रिनल ग्लैंड है और ये जो सेंटर में ब्लैक कलर का पार्ट है ये एड्रिनल मेडुला है, और ये जो पेरीफेरी पर परिधि पर जो ये ब्लू कलर का पार्ट है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। दोस्तों, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मिडिल में, सेंटर में कौन सा होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा या मेडुला होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसकी ट्रिक है, ये देखिए, मेडुला यानी कि मिडिल, मेडुला एम से शुरू हो रहा है, एम से मेडुला, एम से मिडिल, और किनारे पर कॉर्टेक्स पाया जा रहा है, का से किनारा और का से कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, किनारे पर कॉर्टेक्स और मिडिल में मेडुला। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया एड्रिनल ग्लैंड का। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। एड्रिनल मेडुला कुछ हार्मोन्स निकालता है, तो वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं हम अब उसकी बात करेंगे। तो एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स, एड्रिनल मेडुला से दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इपिनेफ्रिन और एक होता है नॉर इपिनेफ्रिन, या फिर इसी को एड्रिनेलिन या नॉर एड्रिनेलिन कहते हैं। पहला हार्मोन है एड्रिनेलिन, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला एड्रिनेलिन, इसी को इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रिनेलिन, इसी को नॉर इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। और दोस्तों, इन हार्मोन्स को मिलाकर कॉमनली, इन हार्मोन्स को मिलाकर इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं या कैचिकोलामीन्स भी कहते हैं। और इन्हीं हार्मोन्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इन्हीं हार्मोन्स को दोनों को मिलाकर हार्मोन्स ऑफ फाइट फियर एंड फ्लाइट भी कहा जाता है। हार्मोन्स ऑफ फाइट फियर एंड फ्लाइट, ट्रिपल एफ के नाम से भी जाना जाता है इन दोनों हार्मोन्स को, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन को, या फिर इपिनेफ्रिन या और नॉर इपिनेफ्रिन को। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स। अब मैं आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जानने से पहले हम एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, देखिए, एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकल रहे थे,
एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। दीज हार्मोन्स इंक्रीज हार्ट बीट, ये हार्मोन्स आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देंगे। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे। इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से। और अलर्टनेस ये आपकी बढ़ा देंगे। रेजिंग ऑफ हेयर्स, आपके रोएं जो खड़े हो जाते हैं वो हो जाएगा। और स्वेटिंग, पसीना निकलने लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने अचानक सांप देख लिया कहीं, तो आपका जो एड्रेनालिन है वो निकलेगा, वो ये सारे फंक्शंस करेगा, इंक्रीज कर देगा आपकी हार्ट बीट को, आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे आप, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा और अलर्टनेस आपकी बढ़ा देगा कि अरे सांप। और फिर उसके बाद आपके रेजिंग, आपके रोएं खड़े हो जाएंगे और आपके पसीना भी निकलने लगेगा। ये तो काम हो गया एड्रेनालिन का। और उसके बाद आप जब नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, तो नॉर्मल होने में जो फंक्शन करता है हार्मोन वो नॉर एड्रेनालिन है, मतलब एड्रेनालिन के उल्टा काम करेगा नॉर एड्रेनालिन, वो इसके सारे उल्टे काम करेगा, आपकी हार्ट बीट को घटा देगा, ब्लड शुगर लेवल को घटा देगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देगा, अलर्टनेस कम हो जाएगी, आपके रोएं जो खड़े हो गए थे वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपका पसीना निकलना बंद हो जाएगा। तो ये तो आपको मैंने एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स के बारे में बताया। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में जानते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर हैं। सबसे पहली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर दूसरी लेयर है जोना फेसिकुलेटा, और तीसरी लेयर है जोना रेटिकुलरिस। दोस्तों ये सबसे आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है और ये इनर लेयर है। ये सबसे बाहरी लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर है और जोना रेटिकुलरिस ये इनर लेयर है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये देखिए आप इसकी ट्रिक बना लीजिए। जी एफ आर आप याद रखिए। जी एफ आर आप याद रखेंगे तो ये आउटर से इनर की तरफ का सीक्वेंस है। सबसे बाहरी लेयर आप याद रखेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, जी से स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलोसा, वो सबसे बाहरी लेयर है। और फिर जोना फेसिकुलेटा, वो एफ से स्टार्ट होता है, वो मिडिल लेयर है। और फिर जोना रेटिकुलरिस, वो सबसे इनर लेयर है, आर से स्टार्ट होता है। तो ये आप याद रखिए, जी एफ आर भूलेंगे नहीं इससे आप। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सबसे पहले एंड्रोजेनिक हार्मोन्स निकलते हैं कुछ। ये आपकी ग्रोथ, जो हेयर्स की ग्रोथ होती है प्यूबर्टी के टाइम, प्रावस्था के समय 12-13 साल की एज में आपके जो दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं या शरीर में जहाँ जहाँ भी हेयर्स आपके ग्रो करने लगते हैं, उसका कारण यही हार्मोन होता है। एड्रोजेनिक हार्मोन्स ये प्यूबर्टी के टाइम पर निकलता है 12-13 साल की उम्र में, इससे आपके शरीर पर बाल हेयर्स निकलने लगते हैं। इसके बाद अगला हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में। आपका कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज का लेवल, तो उसको कम करना, और या फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो उसको बढ़ाना, इन सब में ये हार्मोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद आल्सो सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपके इम्यून सिस्टम को दबा देगा, कम कर देगा। सप्रेस का मतलब होता है कम करना, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को कम करेगा और स्टिमुलेट करेगा आरबीसी की प्रोडक्शन को, आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दोस्तों इसके बाद एक और हार्मोन आ जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कॉर्टिसोल, इस नाम को याद रखिएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कॉर्टिसोल, जो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी कर देगा और आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। दोस्तों अब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में जानते हैं। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को हमारी बॉडी में। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको हमारी बॉडी में
इसका बैलेंस बनाए रखते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस हमारी बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाए रखते हैं। इसका एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ये आपके किडनी में वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है और पोटेशियम और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन में मदद करता है। मतलब कि एल्डोस्टेरोन ये आपकी किडनी में सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा रीनल टिब्यूल से और पोटेशियम और फॉस्फेट को एक्सक्रीट करेगा, बाहर भेजेगा आपकी रीनल टिब्यूल्स से। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बताया, कहाँ पाई जाती है एड्रेनल ग्लैंड इसके बारे में बताया, और इस एड्रेनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं इस बारे में बताया। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यार लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक बटन दबाते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं सही राह पर चल रहा हूँ, अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप बिना किसी झिझक के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।